दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। यस। देखो, एनिमल किंगडम, आपको पता है बीटी के ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, दिया था नहीं दिया था? यस सर, उसमें कौन कौन से यस किंगडम है? सर, यस सर। उसमें कौन कौन से किंगडम थे? सर मोनेरा प्रोटेस्टा एल्गे और प्लांटियन एनिमेलिया। कौन कौन से थे सर? मोनेरा प्रोटेस्टा माइकोटा एल्गो एनिमेलिया प्लांटे। देखो, अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, इसने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सर मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटियन एनिमेलिया। पहला फर्स्ट कौन सा था? मोनेरा। सर उसके बाद मोनेरा फंगाई, मोनेरा प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा प्लांटे एनिमेलिया प्रोटिस्टा और फंजाई। एनिमेलिया माइकोटा, माइकोटा माइकोटा। फंजाई सर फंजाई। सर फंजाई या माइकोटा, प्लांटे और ठीक है प्लांटे और फिर सर, एनिमेलिया प्लांटे प्लांटियन एनिमेलिया। ठीक है। एंड फिफ्थ में क्या था? एनिमेलिया। एनिमेलिया ठीक है। आपको पता है, पहले से ही आपको पता है कि जो मोनेरा था वो यूनिसेलुलर था, है ना? कैसा था यस ये? सर, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। ठीक है। प्रोटिस्टा कैसा था? प्रोटिस्टा कैसा था? सर यूकेरियोट्स सर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूकेरियोटिक, यूकेरियोट और यूनिसेलुलर। यस बिल्कुल, तो आपने सिक्स यूकेरियोट, किंगडम यूनिसेलुलर क्लासिफिकेशन एंड पढ़ा दिया था। यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक। यस ठीक है। सर, हाँ जी सर। माइकोटा कैसा था? सर मल्टी सेलुलर सर मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक। ठीक है। सर यूकेरियोटिक भी था। एक्सेप्शन था हमारा यीस्ट। सर यीस्ट, सर यीस्ट एक्सेप्शन। सर यीस्ट, एक्सेप्शन अपने को। सर सिर्फ यीस्ट एग्जांपल। ठीक है। प्लांटे यस कैसा था? मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर एंड यूकेरियोटिक। सेलुलर भी था, मल्टी मल्टी सेलुलर भी सेलुलर था एंड यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक भी था। यूकेरियोटिक भी था। क्योंकि जो यूनिसेलुलर में वो एल्गी वगैरह आ जाएगी, है ना? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। और प्लांटे कैसा है वो? सॉरी, एनिमलिया। सर यू कैन सर एनिमल सेलुलर मल्टी सेलुलर एंड यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक। यस सर, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखूंगा एनिमल किंगडम के अंदर? मल्टी सेलुलर यूकेरियोट। बिल्कुल बिल्कुल, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट। एनिमल किंग, एनिमल्स आर द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। एनिमल्स आर द मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ठीक है, सिंपल है यहां तक? तो कोई दिक्कत तो होनी चाहिए आपको। यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। एनिमल को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, मतलब हमने एनिमल्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, कौन बताएगा? चलो सर, अभी कहाँ किया क्लासिफाई? क्राइटेरिया सर फाइलम के बेसिस पे फॉर क्लासिफिकेशन। हमने एनिमल किंगडम को हमने क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, किसके अंदर? फाइलम के अंदर। सर फाइलम, सर फाइलम, फाइलम हो गया, और भी बहुत सारे फाइलम हो जाएंगे, है ना? तो हमने क्राइटेरिया कौन से लिए, किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करने की सोच रहे हैं? सर शेप, बॉडी शेप, स्ट्रक्चर। सर एक्वेटिक, नॉन एक्वेटिक और एम्फीबियंस। हेलो सर, टेरेस्ट्रियल नॉन क्लास ले रहा हूँ, मुझे करता हूँ ना। हैं खराब है, मजबूरी है। ठीक है।
मैं करता हूँ थोड़ी देर में ना, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है इनको? सिमेट्री, स्केलेटन और जेंडर, ये सब सिमेट्री के बेसिस पे किया गया है, ठीक है? यस सर। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? प्रेजेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस, ठीक है? प्रेजेंस और एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन, यस सर, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट, ठीक है भाई? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन, ठीक है? सेकंड है बॉडी सर, सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंटेशन है कि मतलब कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, मतलब ठीक है, सेगमेंट का मतलब तो ये हो गया है ना सर। सेवन क्राइटेरिया एनिमल्स में, क्या चीज सर? एनिमल्स में सेगमेंटेशन मतलब, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो चीज की, मैं एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? एक तो हो गया सेगमेंटेशन के बेसिस पे हो गया, ठीक है? सेकंड क्या हो गया? बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे हो गया, ठीक है? सिमेट्री का मतलब हो गया टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है या थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है? यस सर। थर्ड क्या हो गया सर? स्केलेटन। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ क्या? बैकबोन ऑफ अ, ओके सर, बैकबोन, ठीक है? मतलब कि वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है ना, बैकबोन होती है ना? यस सर, वर्टिब्रा, ठीक है सर। और कौन सा? हाँ जी सर, इनका फाइलम पोरिफेरा। आपको अभी कुछ नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं समझ सर, ये क्लासिफिकेशन से एक एक चीज हम एक एक चीज, जैसे सिमेट्री हो गई, सेगमेंटेशन हो गया, बैकबोन हो गया, इसके बारे में हर फाइलम में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ये क्लासिफिकेशन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन, बॉडी सिमेट्री हो गई है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन हो गया है, ठीक है? और क्या हो गया? फाइलम पोरिफेर होता है बेटा, फाइलम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको टोटल ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको भाई। हमने फाइव किंगडम जो लिए है, देखो फाइव किंगडम जो लिए हमने, जैसे मोनेरा हो गया, टोटिस्टा हो गया, पंजाई हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गया, ये इनको हमने किस बेसिस पे मतलब डिवाइड किया हुआ है, क्यों हमने किस बेसिस पे इनका डिवीजन किया हुआ है, कौन बताएगा? चलो सर, इनके प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होने में और मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर होने में, बिल्कुल। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, चलो सेकंड हैबिटेट के ऊपर ऑर्डर, देखो सेल वॉल के बेसिस पे, सेकंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है? थर्ड हो गया न्यूट्रिशन के बेसिस पे, सभी हो गया। फोर्थ क्या हो गया सर? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है? और भी बहुत सारे पॉइंट्स बना सकता हूं मैं, तो इनके बेसिस पे हमने मोनेरा बनाया, प्रोटिस्टा बनाया, फंजाय बनाया और प्लांटे बनाया, एनिमेलिया बनाया, ठीक है? ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे डिवीजन की हुई है, ऐसे ही एनिमल किंगडम के अंदर हमने किस किस बेसिस पे हमने पोरीफेरा बना रखा है और टेरेस्ट्रियल बना रखा है, प्लेटी हेलमेंथिस बना रखा है, एस हेलमेंथिस बना रखा है, टेरेस्ट्रियल, आर्थ्रोपोडा, हमने किस किस बेसिस पे बनाया, हमने ये देखना है, ठीक है सर? सम वो नहीं मार्क करेंगे कि सर बोन और सर, क्योंकि सर सम एनिमेलिया उनमें वो भी तो है सर, कार्टिलेज जिससे है सर, वो भी पॉइंट होना। हम एक एक फाइलम को पढ़ेंगे तो उनके पॉइंट्स भी तो लिखेंगे ना। यस सर, सर मतलब इनमें डिफरेंस वाले में नहीं आएंगे
सर मतलब प्लांट्स में डिवीजन होती है, एनिमल्स में फाइलम होता है, तो सर हम बार बार फाइलम क्यों बोल रहे हैं? बेटा मैंने आपको बताया था ना कि सेवन ओब्लिगेट ओब्लिगेट क्लासिफिकेशन होती है, होती नहीं होती है? यस सर। ये क्लासिफिकेशन बोल दो या फिर कैटेगरी बोल दो, कैटेगरी बोल दो, ठीक है? तो सेवन ओब्लिगेट जो हमने क्लासिफिकेशन या कैटेगरी पढ़ी है वो कौन कौन सी पढ़ी हुई है? सबसे पहले क्या होता है? किंगडम होता है। किंगडम। सेकंड फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स, या फिर डिवीजन। मैंने आपको बता रखा है डिवीजन में यूज करूंगा प्लांट के लिए और फाइलम में यूज करूंगा एनिमल के लिए। तो सर प्लांट के लिए डिवीजन, इनके लिए फाइलम, तो डिवीजन तो बहुत दिन बाद आएगा ना, अभी तो हम वो पढ़ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी कैसे हमने एनिमल्स को डिवाइड कर रखा। आप समझ नहीं पाओगे मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। देखो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है? जो मैं बोला उसकी मतलब उन बातों को थोड़ा ध्यान देना। मैंने सिर्फ अभी तक ये बोला है अकॉर्डिंग टू आर एस विटेकर के अकॉर्डिंग हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थे या नहीं थे, ठीक है? थे ना? यस सर। जैसे मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, माइकोटा होता है, प्लांटे होता है, एनिमेलिया होता है, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई हमारी, ठीक है? उसमें से जो मोनेरा था हमने फर्स्ट किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मोनेरा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है। माइकोटा क्या होता है? यूनिसेलुलर भी होता है, माइकोटा के मेनली क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है एंड यूकैरियोटिक होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है ईस्ट का, वो मैंने बता दिया आपको। प्लांट के अंदर यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर के अंदर एल्गी आ जाती है, बाकी सब मल्टीसेलुलर में आ जाते हैं एंड यूकैरियोटिक होता है, है ना? इसके बाद जब मैंने प्लांटी में पढ़ाया था आपको, तो प्लांटी में फिर मैंने इसके डिवीजन बताए थे किस किस बेसिस पे, मतलब कौन कौन से डिवीजन पे ये अलग अलग है। जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, ठीक है, टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म हो गया। आपको पता है प्लांट को हमने किस किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, पता है आपको? सर न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, ट्रैकियोफाइट्स के बेसिस पे, हेलोफाइटा क्या, ठीक है, एम्ब्रियोफाइट के बेसिस पे, ट्रैकियोफाइट, ए ट्रैकियोफाइट वाले, ठीक है, हाँ, ट्रैकियोफाइट एंड ए ट्रैकियोफाइट के बेसिस पे, ए ट्रैकियोफाइट भी है, ठीक है, ए ट्रैकियोफाइट या ट्रैकियोफाइट के बेसिस पे, नॉन एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोनिक के बेसिस पे, भाई यही तो हमने पढ़ा है ना अभी तक। तो हम इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, यस सर, ठीक है ना? तो ऐसे ही एनिमल किंगडम के अंदर ये कुछ क्राइटेरिया है, इनके बेसिस पे हमने इनके अंदर डिवीजन की हुई है, ठीक है, कि भाई पोरीफेरा के अंदर बॉडी सिमेट्री कैसी है, ठीक है, ठीक है, बैकबोन है या नहीं है, सेगमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, सिलोम है या नहीं है, ठीक है, बॉडी सिमेट्री मतलब है सर, बॉडी सिमेट्री, देखो बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये रहा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आप इसको ऐसे काटोगे तो टू मतलब डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसको इस तरीके से काटेंगे, ठीक है, तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इक्वली, यस सर, है ना सर, जैसे सिमेट्री होती है, सिमेट्री सर, ह्यूमन भी तो है, हाँ ह्यूमन भी है, ठीक है सर, यहाँ पे सेगमेंटेशन का मतलब, अभी वन बाय वन पढ़ेंगे बेटा तभी तो समझ में आएगा ना। सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ सर, थैलोफाइटा, और सर एक और चीज है सर, डिवीजन में हम वो नहीं कर सकते कि सर बोन होती है और नहीं होती है, टेरेस्ट्रियल और वो नहीं करेंगे हम, क्या चीज सर? हम कुछ के एनिमेलिया के अंदर सर कार्टिलेजेस होती है, कुछ के अंदर बोन्स होते हैं सर, उसके बेसिस पे नहीं करेंगे हम डिवीजन एनिमेलिया का? हाँ मतलब वो भी चीज हम देख सकते हैं, वो भी चीज हम देख सकते हैं, और सर टेरेस्ट्रियल नॉन टेरेस्ट्रियल सब, हाँ, वो अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो पॉइंट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, बनाने को तो बहुत सारे मैं पॉइंट्स बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन मेन किस किस बेसिस में हमें क्या देखना, मेन किस, आपको अपना 50-60 पॉइंट्स तो ना लिखवा सकता हूं मैं आपको, 4-5 पॉइंट्स ऐसे लिखवाऊंगा ना जो हर किसी में प्रेजेंट है एब्सेंट है, देखनी पड़ेगी ना, ठीक है सर? यहाँ पर सेगमेंटेशन का मतलब क्या,
बेटा मैंने बोला ना आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही, अब हम फाइलम पढ़ेंगे एक एक करके, पॉलीफेरा हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, और भी बहुत सारे फाइलम हो गए। सर थैलोफाइटा कहाँ है इसमें? सब प्लांट है उसमें। क्या चीज? सर थैलोफाइटा। हाँ थैलोफाइटा में क्या? सर थैलोफाइटा तो सब सबसे पहला होता है ना सर, वो कहाँ लिखा आपने? सब पढ़ाया नहीं है पर सर ऐसे ही। अरे एल्गी तो बोलते हैं थैलोफाइटा। यस सर। कैसी बातें कर रहे हो? इसका मतलब आप घर पे पढ़ते नहीं हो? सब पढ़ता हूँ सर, दूसरा नाम नहीं याद था, मम्मी ने ऐसे बोला था। है? किसने बोला? मम्मी भी साइंस की टीचर है इसलिए उन्होंने बोला था। अच्छा, सर थैलो अच्छा, फाइटा अच्छा। नहीं पढ़ाया, एलगी करके पढ़ाया इसलिए उन्होंने बोला। नहीं थैलो फाइटा को तो, थैलो फाइटा को तो एलगी बोलते है ना? यस सर, वो याद नहीं था। थैलो फाइटा का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएट बॉडी। यस सर। भाई थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई बॉडी का कोई फिक्स साइज ना हो, थैलोफाइटा उसे तो बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। ठीक है, तो ऐसी कौन सी है? एल्गी तो होता है ऐसा जिसका कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। यस सर। समझ में आया? यस सर। यस। चलो फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा? सेल्यूलर और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिफ्थ में? कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ बॉडी कैविटी कैविटी यस सर कॉल्ड एज सिलोम। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी कॉल्ड एज अ सिलोम है ना? यस सर। ठीक है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आप इन पांच पॉइंट को आप इनको याद करो जल्दी फटाफट एक बार देखो आप। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और हमें पीछे वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा एक एक पॉइंट पे। ठीक है ना, मैं आप लोगों को तेजी से पढ़ा नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके इन पांचों पॉइंट्स को आप देखो एक बार याद करो। तो आपने टाइप ऑफ बॉडी कैविटी कॉल्ड कोयलम लिखा है ना? सिलोम। सिलोम। सर हो गया। हो गया हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सेगमेंटेशन समझ में आया थोड़ा बहुत? सर एक बार दोबारा बता दीजिए सेगमेंटेशन। डिवीजन ऑफ ऑफ एन एनिमल बॉडी प्लेन। ठीक है, मतलब किस प्लेन से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं? ठीक है। यस सर। हर डिवीजन इसका सिनोनिम है ना? क्या चीज? इसका मतलब डिवीजन ही हो गया ना?
हाँ डिवीजन हो गया इसका मतलब किस प्लेन से डिवाइड कर रहा है सर प्लेन की प्लान सर मतलब प्लान मतलब प्लेन का मतलब है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि ये कैसा प्लेन हो गया ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल है ना यस सर मतलब कौन से प्लेन उसकी सिमेट्री होती है मुझे नहीं आया समझ में प्लेन का क्या मतलब है कोई नहीं आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कोई बात नहीं एक डाउट है सर एक डाउट है सर हाँ, आपने सर ये बताया लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑब्लिक सर ये तो समझ आ गया कि मतलब किस पे काट रहे हैं तो सर ये आप बताइए कि हम काटने का हमारा जो मतलब है वो सिमेट्री से है ना हाँ सिमेट्री से सिमेट्री में क्या देखेंगे कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं या टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं ये सर मतलब एक तरह से लाइन कौन से पे खींची जिससे ये दोनों जिससे एक सिमेट्रिकल बॉडी बन जाए यस 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 ठीक है ठीक है और सिलोम yes, क्या होता है सिलोम क्या होता है सर बॉडी कैविटी बिल्कुल बॉडी कैविटी होती है कैविटी सिलोम सर बॉडी कैविटी इज द मेन बॉडी कैविटी लोकेटेड इन द बॉडी टू एनवेलप सर सिलोम कौन सा पार्ट होता है बताता हूं टू एनवेलप एंड कंटेन द इंटरनल ऑर्गन्स ठीक है सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया ठीक है सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया ठीक है देखो सर मतलब ये वही कैविटी है ना सर जो हम अगर अपनी बॉडी को सर अगर हम बीच में से काटे और सर डाइजेस्टिव सिस्टम और वो सारे सिस्टम है वो हटा दें तो जो बीच में कैविटी बचेगी उसे हम सिलोम कहेंगे बिल्कुल 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 ठीक है सब कुछ हटा दें सर एक बार दोबारा बता दीजिए ठीक है बताता हूँ मैं आपको दोबारा देखो सिलोम जो होते हैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ठीक है सिलोम क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया तीन पार्ट्स में तीन पार्ट में एक होता है एसिलोमेट ठीक है ए सिलोमेट होता है दूसरा होता है सोडो सिलोमेट ठीक है तीसरा क्या होता है यूक्लोमेट ठीक है ठीक है भाई इसको हम कैसे अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं कि ये सिलोमेट है ये नॉन सिलोमेट है जैसे देखो यू का मतलब होता है ट्रू यू मतलब ट्रू सूडो मतलब फॉल्स सिलोमेट ठीक है सूडो का मतलब क्या होता है फॉल्स फॉल्स सिलोमेट ठीक है एंड ए सिलोमेट का मतलब क्या होता है एब्सेंट है ना सिलोम क्या है यहाँ पे एब्सेंट एब्सेंट है मतलब यहाँ पे कोई ऑर्गन्स वगैरह ही नहीं प्रेजेंट है ठीक है यस सर सूडो सिलोमेट मतलब हाँ सर सूडो सिलोमेट सर जैसे सूडोपोडिया होता है फॉल्स फीट सर वैसे ही सर मतलब ट्रू नहीं होता हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखो ट्रू का मतलब क्या हो गया जैसे मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूँ मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक की बात कर रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल कैनाल की बात कर रहा हूँ मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ यस सर ठीक है अगर आप डाइजेस्टिव ट्रैक को अगर आप कट करोगे
ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक को अगर आप कट करोगे तो होता क्या है कि आपको कुछ इस तरीके का व्यू आपको नजर आएगा। ठीक है, अंदर की साइड होता है गट, ठीक है, क्या होते हैं सर, आवाज कम आ रही है, अंदर की साइड क्या होता है गट होता है, ठीक है, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कैनाल होता है जहां से हमारा वेस्टेज वगैरह फूड वगैरह पास होता है, यहाँ से क्या होता है फूड इज पासिंग, है ना। इसके बाद जैसे ये हमारा डाइजेस्टिव कैनाल हो गई है, ट्रैक हो गया ये, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, इसके बाद जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, जो ये एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो हमारा गट है, इसको कौन कवर कर रहा है, इसको कवरिंग कौन दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिलोम, सिलोम, ठीक है, मतलब कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल को कौन कवरिंग कर रहा है, उसको हम सिलोम बोलेंगे, समझ में आया सर, मतलब एक तरह से खाली स्पेस में ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जी सर, एक तरीके से कवरिंग हो गई है, ठीक है सर, कवरिंग से, ये तो खाली है सर, कवरिंग कैसे, इसको सर अंदर अंदर के फिल होता है कुछ, मतलब इसमें ना फिल होता है, ठीक है, फ्लूड फिल होता है, हाँ फिल होता है इसमें, ठीक है, ओके सर, ये कवरिंग कर रहा है गट्स की, ओके, ये हम सिलोम, ये सर सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक का बता रहे हो ना आप, देखो हम इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं, देखो होता क्या है, देखो सबसे बाहर वाली जो लेयरिंग होती है, अंदर सारा मेसोडर्म होता है ना, सुन लो सबसे बाहर क्या होता है, हमारी क्या होती है स्किन होती है, ठीक है ना, स्किन को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं, एक्टोडर्म, यस सर, उसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है मसल्स आती है, ठीक है ना, क्या आती है मसल्स आती है, उसका मेसोडर्म बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ठीक है, यस, फिर आता है इसके बाद ये है सिलोम, ठीक है, फिर आते हैं, हाँ फिर आते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे ये इंटरनल ऑर्गन्स हो गया, ये इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, ये इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, ये इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, फिर आते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, क्या आते हैं इसके बाद, इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, फिर ये वाली सर, मतलब ये फिर इसके अंदर भी एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग होती है इसके अंदर भी, एंडोडर्म, हाँ बिल्कुल, क्या होती है एंडोडर्म, ठीक है, या फिर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, अब आप तो समझ गए होंगे ना मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, yes, और ये सेंटर पे yes, दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर पे दिखाई देगा यहाँ पे, ये हमारा है गट, ठीक है, मतलब कैनाल है हमारी यहाँ पे, ठीक है, यस सर, भाई अब जो सिंपल वे में समझ में आ गया होगा सबको, यस सर, यस सर, मतलब जो सिलोम है सब ऑर्गन्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सर, मतलब मेन जिसके अंदर होते हैं, ठीक है, यस सर, जैसे एक तरह से कहें हम एग्जांपल के लिए, पर होती नहीं है वो सर, जैसे सेल वॉल होती है उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन को कहेंगे अगर हम ऐसे एग्जांपल के लिए ले, उसे कहेंगे, ठीक है, और डाइजेस्टिव कैविटी क्या है, ये हमारी स्किन हो गई है, ये मसल्स हो गई है, ये सिलोम आ गया, फिर इसके बाद अरेंजमेंट दिखा दिया, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए हमारे, एंड एंडोडर्म हो गई हमारी, मतलब पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हो गई लास्ट वाली, एंड देन सेंटर पे हमारा कैनाल है, यही चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, ट्रू सिलोम दिखाने की कोशिश करी, और यही चीज मैंने ओवरऑल बॉडी पे दिखा दी सर, नहीं मैं सर बस ये बोल रहा हूँ, मतलब सर जब मेन चीज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म ट्रैक के अंदर,
सर किसी भी डाइजेस्टिव सर जैसे अभी आपने डाइजेस्टिव ट्रैक का एग्जांपल लिया है बिल्कुल सर जो मेन थिंग्स है ऑर्गन्स और सर जो मेन वर्क करते हैं उसमें सर वो सिलोम के अंदर होते हैं मतलब बिल्कुल 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 सर ये बॉडी को बीच में से काटा है ना सर हाँ जी सिलोम के अंदर सर डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव होते हैं कैविटी सिलोम के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक होता है मतलब उसको कवरिंग करता है सिलोम ठीक है मतलब एक किस्म से कोई भी ऑर्गन हो गया ठीक है कोई भी ऑर्गन ले लो आप है ना उसको कवर कर रहा सिलोम मतलब कैविटी है वहां पे एक कैविटी प्रेजेंट है सर मतलब यस सर स्केलेटन है सर स्केलेटन के अंदर है उसके अंदर वो ऑर्गन से प्रेजर्व मतलब जो मेन किसी भी सिस्टम जो सिस्टम के सब मेन ऑर्गन्स और वो सब होते हैं वो जिसके अंदर प्रेजेंट वो सिलोम बिल्कुल सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए हाँ जी हाँ जी सर अभी दो मिनट यहीं रहने दीजिए ना द फर्स्ट इंटरनल लेयर दैट कवर्स द ऑर्गन सर स्टार्टिंग से दिखा दो सर सबका हो जाएगा तो ये लो यहाँ से दिखाया तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया था सरफेस सेगमेंट समझा दीजिए एक बार और सॉरी प्लेन सेगमेंट में प्लेन देखो प्लेन क्या होता है प्लेन क्या होता है कि मतलब देखो सिमेट्री क्या होता है कि टू पार्ट्स में डिवाइड होना एसिमेट्री क्या होता है टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है कोई भी ठीक है सिमेट्री हो गया एसिमेट्रिकल बॉडी हो गई बॉडी क्या होती है कि मान लो हम किसी ऑर्गेनिज्म को काटते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है दैट इज द सिमेट्रिकल बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा दैट इज द एसिमेट्रिकल बॉडी ठीक है जैसे देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां पे सर मैं तो सर एक बार सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के बीच में डिफरेंस समझा दीजिए ऐसे नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो एक मिनट तब मैं पूछ रहा हूं सर मेरी डेफिनेशन सही है क्या सर सिलोम की करके पूछो ना ओके सर देखो जैसे फ्री नहीं हुआ फ्री नहीं हुआ नहीं फ्री हुई नहीं हुआ जैसे मैंने आपको ये बताया था जैसे ये एक फ्लावर है ठीक है ये क्या है एक फ्लावर है अगर मैंने इस फ्लावर को इस सिमेट्रिकल प्लेन से मैंने डिवाइड किया हुआ है ठीक है एक ये है प्लेन कि कौन से प्लेन से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है एक तो ये हमें देखना पड़ता है या फिर ठीक है यस सर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है सर अगर ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है दैट इज द सिमेट्रिकल ये सिमेट्री हो गई है अगर ये टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पा रहा दैट इज द एसिमेट्रिकल सिंपल सी बात है सर सिमेट्री का मतलब तो ये है ना जब दोनों साइड्स एक जैसी दिखे तो सर इसमें हम पहचानेंगे कैसे जी सर एनिमल्स में तो सर अगर हम अपने में ही देखें तो सर नीचे ना एनिमल में कैसे होता है अभी आपको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा है हाँ सर आ गया सर प्लेन का नहीं समझो अभी सिर्फ इतना ही समझते हैं आपको ठीक है यस सर ठीक है प्लेन हम देखते हैं हम प्लेन कौन सा यूज कर रहे हैं ये वाला प्लेन यूज कर रहे हैं इधर से प्लेन यूज कर रहे हैं इधर से प्लेन यूज कर रहे हैं ये हमें ये चीज देखनी होती है ठीक है सिमेट्रिकल क्या होता है कि सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है ठीक है यस सर यस सर तो मतलब विदाउट प्लेन्स सिमेट्री नहीं देख सकते हम भाई कोई तो प्लेन देखोगे ना तभी तो सिमेट्री देख पाओगे यस सर मतलब सर आपने बताया सर डिवाइड करने पे तो सर जिनकी एक भी प्लेन नहीं होगा वो एसिमेट्रिकल होंगे बिल्कुल सर मतलब दोनों में सेम ही होंगे बिल्कुल 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 ठीक है आप इसको नोट करोगे फिलहाल एक मिनट यहाँ से सर
सर ना भी चल रहे भैया खड़ा हो गया पीसी है सर हो गया सर थोड़ा नीचे कर दो ओके सर ये तो हो गया ओके सर एक सेकंड हाँ बोलो सर माई रहने दो ये ओके ओके ये लो सर डन नीचे कर दो थोड़ा सा भाई हो गया सबका यस सर सबका yes, हो गया यस सर yes, थोड़ा सा ये थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा सही नहीं चल रहा है अभी फिलहाल बस काम चल रहा है अभी ये प्लान सर ये मोस्ट ऑफ द एनिमल में प्रेजेंट होती है सर बहुत कम है किस चीज में क्या चीज है सिलोम अभी हम वही पढ़ेंगे आगे जाके अभी है ना एक एक एनिमल को देखेंगे किस किस में प्रेजेंट है किस किस में नहीं है ओके ओके सर सर हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें सर हमने लॉन्गिट्यूड थोड़ा अभी कोऑपरेट करो यार थोड़ा है ना यस सर सर हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने वो लॉन्गिट्यूडनली बनाया था फिर वो जो ट्रांसवर्सली था हमने उसके हिसाब से बनाया था नहीं नहीं बेटा मैंने सिर्फ एक ना तरीका बताया आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी सिमेट्रिक इसको बोलते हैं और सेगमेंटेशन का मतलब क्या है यहां पे सर आपकी क्लास 7:30 तक है
हाँ जी हाँ, थोड़ा मैं आज जल्दी भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि तबीयत ज्यादा ही खराब है मेरी, बस मैं बैठा हूँ किसी तरीके से ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आज भी मैंने छुट्टी कर ली. ठीक है. ठीक है सर. सिलोयम जो भी है सर, इसके टाइप्स दिखा दीजिए. हाँ जी हाँ जी, ये हो गया, इतना लिख लिया सबने? यस सर. यस सर. यस सर. सर डायग्राम दिखा दीजिए सर, थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए. बेटा एक बार सबका हो गया भाई? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जैसे पोरीफेरा है, क्या वो एसिलोमेट है, क्या वो सूरोसिलोमेट है, क्या वो यूसिलोमेट है. हम एक एक करके ये चीज देखते चले जाएंगे. पोरीफेरा फाइलम है ना? हाँ पोरीफेरा फाइलम है. ओके. यस सर. यस सर. सर पोरीफेरा फाइलम मतलब एक कैटेगरी है फाइलम की. बताऊंगा. सर ये आपने क्या लिखा है? फूड और पैसिव पैसेज. फूड इज पासिंग. सर एक बात और कंफर्म करनी थी सर, जो हमने बॉडी प्लेन लिखा सर, उसमें वो PLAN है फिर PLANE है सर? प्लेन तो PLANE होता है क्योंकि बॉडी प्लेन जो हमने उसकी डेफिनेशन लिखी थी सेगमेंटेशन की, और आपने यहाँ पे भी लिखा है प्लान. हाँ प्लान ही है. प्लेन प्लेन ही है. ठीक है. PLAN ना सर? हाँ. सर ये आपने कौन सी मेम्ब्रेन लिखी है? सर पेरिटोनियम. पेरिटोनियम मेम्ब्रेन. सर इसका वर्क क्या होता है वैसे? मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सर सराउंडिंग से प्रिवेंट करना. फिर सर प्रोटेक्शन. सर आप
क्या सर एंडोडर्म किसे बोला है? जो इनर ऑर्गन्स होते हैं जिनसे बने होते हैं जैसे लेयर बोलते हैं ना कि ये एक्टोडर्म है ये मेसोडर्म है देन ये एंडोडर्म हो गई तो इनर मोस्ट लेयर को बोल रहे हैं ठीक है यस सर ओके सर सर फिर क्लास अभी खत्म होगी या फिर अभी आप और पढ़ाएंगे क्या कह रहे हो सर आप कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी खत्म होगी तो सर हाँ, अभी तबियत खराब है नहीं नहीं जब तक मेरे मतलब जब तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है भाई ओके सर हाँ जब तक मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो जब तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ मैं आप लोगों को मना नहीं कर रहा हूँ ठीक है देखो क्लासिफिकेशन जैसे हमने करी है इन चार पांच पॉइंटों के बेसिस पे ठीक है तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम इंक्लूड्स इंक्लूड्स टू ग्रुप कौन कौन से दो ग्रुप है एक है इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकंड क्या है सर वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स ठीक है यस इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम प्रोसेस नहीं करते ठीक है वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो वर्टी इन वर्टिब्रेट्स कॉलम वर्टिब्रल कॉलम को नहीं करते इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ एनिमल सर एनिमल और मैमल बेटा जितना बोल रहा उतना सुनो इट्स इंक्लूड ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट डू नॉट प्रोसेस डू नॉट प्रोसेसेस अ वर्टिब्रल कॉलम डू नॉट प्रोसेसेस अ वर्टिब्रल कॉलम ठीक है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है ठीक है वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम्स नहीं होती है सर वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम का मतलब आपको अभी बताया ना मैंने बैकबोन ये चीज बता दी ना मैंने अभी आपको सर ऊपर जो भी हमने वो चार पांच चीजें लिखी थी तो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है अच्छा ठीक है देखो कौन कौन से है तो इनवर्टिब्रेट्स इज क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट फाइला इंटू डिफरेंट फाइला फाइला या फाइलम ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है इंटू डिफरेंट फाइलम ठीक है सच एज फर्स्ट कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है जैसे पोरीफेरा पोरीफेरा ठीक है ओहो सेकंड कोएलेंट्रेटा सिलेंट्रेट ठीक है या सिलेंट्रेटा
ठीक है भाई, आर्थ्रोपोडा भी तो। थर्ड कौन सा है सर? सिनोफोरम। एक मिनट थर्ड कौन सा है? प्लैटी हेलमेंथिस। सर उसके बाद नेमाटोडा। नेमाटोडा। फोर्थ कौन सा है? नेमाटोडा। नेमाटोडा। सर सिनोफोरम। सर सिनोफोरमिडा। सिक्स्थ सर आर्थ्रोपोडा। सिक्स कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ठीक है। आर्थ्रोपोडा क्या होता है? लार्जेस्ट फाइलम में है ना? यस सर। इसके बाद कौन है सर? मोलस्का। मोलस्का। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ना? यस सर। एट पे कौन है? काइनोडर्माटा। काइनोडर्माटा। ठीक है यस सर। ओके नाइन्थ पे हेमिकोर्डेटा। क्या कह रहे हो सर? हेमिकोर्डेटा। सर नाइन्थ हेमिकोर्डेटा और टेंथ कोर्डेटा। ठीक है हेमिकोर्डेटा हो गया। ठीक है लिख लिया आप लोगों ने? देखो वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रा ठीक है। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट पोजेस अ वर्टिब्रल कॉलम। बिल्कुल 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 ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म मतलब These are the organism. सब बेलेनोग्लॉसिस किसका एग्जांपल है? बेटा कहाँ पे पूछ रहे हो आप? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आप कहाँ पूछ रहे हो? यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है हमारी आपस में ही। प्रोटोकोडाटा एग्जांपल है वो। ओके सर। मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं और देख रहे हो। क्या क्या है मतलब इस चीजों का? आंसर दो मुझे। सर क्या मैं कह रहा हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या पूछ रहे हो? सभी चंद मम्मी पापा बोले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा देखो सर आप बहुत खास रहे हो। क्या कह रहे हो? आपको बहुत खांसी हो रही है सर। हेलो सर। तबीयत खराब हो रही है मेरी बेटा। हेलो सर। सर आज के लिए बहुत है इतना। मैं कृष्णा का फादर बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेडिकेशन ले लें, ये ज्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए भी। अच्छा आप ज्यादा टाइम तक पढ़ा पाओगे अगली क्लास। नहीं नहीं वो तो ठीक है सर, अगर कैंसिल हो जाती तो फिर दिक्कत हो जाती है। मतलब कर लेंगे, थोड़ा पढ़ भी लेंगे। आप अपना ख्याल रखिए पहले। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू। ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर थैंक यू। ठीक है बेटा फिर आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है थोड़ा सा okay, मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा नेक्स्ट क्लास के लिए। डेफिनेशन तो बता दो। क्या चीज? डेफिनेशन करवा दो बस। इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट पोजेसेस अ वर्टिब्रल कॉलम। कोई बात नहीं, मुझे प्रोटोकोडाटा भी बताना इससे पहले थोड़ा सा, और ये भी समझाना वर्टिब्रा वाला भी। ठीक है तो दोनों को मैं एक सिक्वेंस में बताऊंगा तब आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ओके ओके सर। ओके ठीक है इसको नोट कर लो आप। सर नोटेड। सर जिन्होंने नोट कर लिया वो लीव कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। बाय सर। गेट यू सून।
नोट कर लिया सबने? बाय सर, थैंक यू सर, नोटेड। ओके बेटा, क्या होता था